सोनभद्र के म्योरपुर में चल रहे रामलीला मंचन के 11वें दिन राम सुग्रीव मित्रता वाली वध लंका दहन का लीला बड़े ही मनमोहक अंदाज में दिखाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक हरिराम चेरो मंचन के दौरान पहुंचे। स्टेज पर जाकर भगवान श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जी महाराज व वीर बजरंग बली जी को माल्यार्पण कर आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में श्री चेरो ने कहा कि श्री राम का पूरा जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित है। रामायण हमें असत्य पर सत्य की जीत की प्रेरणा देता है, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। कहा कि एक बेटा, एक भाई, एक पत्नी कैसे होनी चाहिए, ये हमें रामायण से सीख मिलती है। जैसे कि लक्ष्मण निस्वार्थ भाव से भगवान के साथ वन चल देते हैं, एक पत्नी जो महलों का सब कुछ छोड़कर वन को पति के साथ चल देती है, यह हमें रामायण से ही सीख मिलती है। इसलिए हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। छोटे से कस्बे में भगवान के आयोजन की सराहना करते हुए कमेटी को सहयोग के रूप में 25,000 रुपए कमेटी को मदद करने की घोषणा की तथा रामलीला स्टेज का सुंदरीकरण का आश्वासन दिया। साथ ही म्योरपुर कस्बे में 5 आरओ प्लांट, हैंडपंप, शमशान घाट व छठ घाट आदि विकास कार्य का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मानसिंह गोड़ भाजयुमो, जिला अध्यक्ष जीत सिंह खरवार, श्री रामलीला कमेटी के महाप्रबंधक व पूर्व सरपंच गौरी शंकर सिंह आदि तथा गांव के गणमान्य जनता व दर्शक बंधु उपस्थित रहे।